ही पहुंचेंगे या अलग-अलग धर्मों के आत्मा भी पहुंचेंगे? मैंने माउंट आबू में जो भी पहुंचे हुए हैं, अब पहुंच रहे हैं और आगे पहुंचेंगे, वो सब सूर्यवंशी होंगे। अरे अभी माउंट आबू में सब सूर्यवंशी बैठे हुए नहीं बाबू? अरे दूसरा धर्मों का भी आत्मा, सभी धर्मों की भी आत्मा है। दूसरी क्या, सभी धर्मों की आत्मा है वहाँ घुसी हुई? अभी नहीं बाबा, वो अंत का बात कर रहे हैं। अंत का बात कर रहे हैं, अंत माने कब? तपस्या। अंत माने कब? 2018 के बाद। माने जब स्वर्ग की स्थापना होगी, सुखधाम की स्थापना होगी और शांति धाम की स्थापना होगी, है? तो शांति धाम में, तो शांति धाम हमारा घर है, हमारा घर है, हमारे बाप का घर है। शांति धाम में बाप होगा कि नहीं होगा? और सुखधाम में बाप नहीं, सुखधाम में विष्णु। सुखधाम किसका है? विष्णु का। विष्णु का घर है, तो सुखधाम भी होगा और शांति धाम भी होगा। तुम बच्चे शांति धाम को इस शक्ति पर उतार लेंगे, उतारेंगे या नहीं उतारेंगे? उतार लेंगे, उतार लेंगे। तो इस शक्ति पर कौन सा स्थान होगा जहाँ शांति धाम उतरा हुआ होगा? एक ही स्थान है जहाँ उस निराकार बाप की याद का फाउंडेशन सबसे जास्ती है। दूसरे धर्म की आत्माओं ने भी याद का वाइब्रेशन वहां बनाया है, लेकिन उनकी याद का वाइब्रेशन है निराकार याद का, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती है। और साकार बाप भी अंत समय में वहां पहुंचेगा। तो जो असल सूर्यवंशी आत्मा है, जो साकार में निराकार को याद करने की आदि है, 63 जन्मों का भी हिसाब जिनका होते एक साकार बाप के साथ जुटा हुआ है, 21 जन्मों का तो जुटा ही हुआ होता है। लवलीन स्टेज वाले भी वहां पहुंच जा देंगे। निराकार को याद करने वाले लवलीन तो हो नहीं सकते, अभी सब अधूरा है वहां। और उस समय लवलीन याद में रहने वाले वहां टिकेंगे, और जिनको लव नहीं होगा वो वहां टिकेंगे नहीं, वहां भाग खड़े होंगे। आप तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया? क्या मिला, क्या मिला? जो लवलीन याद में रहेंगे वो टिकेंगे। तुम्हारा प्रश्न क्या था? सूर्यवंशी बच्चे। तुम्हारा प्रश्न था कि दूसरे धर्म की आत्माएं माउंट आबू में रहेंगी या नहीं रहेंगी? दूसरे धर्म की आत्माएं वो ही रहेंगी जब तक उनको लव होगा बाप से। लव होगा तो वहां रहेंगी, लव नहीं होगा तो बाप खड़ी होंगी। क्योंकि दूसरे धर्म पिता है वो तो परमधाम में, साकारी परमधाम होगा, वहां ज्यादा समय नहीं टिकेंगे, क्योंकि वो साकार को मानने वाले नहीं। वो तो बाहर की दुनिया में जाएंगे अपने अपने फॉलोअर्स के पास, उन्हें अपने फॉलोअर्स के पास सुख भाते ना, या परमधाम में जो सदाकाल रहने की स्टेज वाले साकारी बाप के बच्चे हैं उनके साथ रहने में सुख भरतेगा। साकारी बाप के दूसरे धर्म वालों तो बाहर की दुनिया में भागेंगे ना, वो सिर्फ बंदगी करने आवेंगे लेकिन टिकेंगे नहीं। तो जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनको लगातार निश्चय नहीं रहता, इसलिए तपस्या करती है। तपस्या करने के बाद फिर सर्विस फील्ड में भागती है। इसलिए दूसरे धर्म की आत्माएं आ रहेंगी तो, लेकिन जो अपने धर्म के पक्के होंगे वो नहीं आवेंगे। क्या मान लो क्राइस्ट आया और क्राइस्ट के आने के बाद जो आत्माएं परमधाम से उतरती है वो माउंट आबू नहीं आ पाती। क्यों?
क्योंकि वो अपने धर्म पिता आता की ही उनकी पहचान है तृतीय जन्म में। तृतीय जन्म उनके साथ ही उनका कनेक्शन रहा, वो ही उनकी उन्हीं का उनका लक्ष्य वो ही है बस। उस सर्व देवता तो बनते नहीं, इसलिए आ गए नहीं। हाँ जो कन्वर्ट हुए हैं, पहले देवी देवता सनातन धर्म के थे, बाद में कन्वर्ट हो गए, वो आवेंगे। लेकिन आवेंगे भी फिर जावेंगे भी, क्यों? सर्विस के लिए। नहीं सर्विस के लिए तो जावेंगे, लेकिन एक बात और भी है, सदगुरु निंदक था उनका। दूसरे धर्म में जब कन्वर्ट हुए थे तो उन्होंने निंदा कराई थी ना, तीसरे धर्म निंदा कराई थी, तो जिन्होंने वहां निंदा कराई थी, यहाँ शूटिंग पीरियड में वो निंदा कराने की शूटिंग करते हैं या नहीं? यहाँ भी निंदा कराने की शूटिंग करते हैं, तो जो यहाँ निंदा कराने की शूटिंग करते हैं वो सदगुरु निंदक ठवर न पावे, माया उनको वहां भी हिला देगी, भागेंगे अपने अपने भागवत के पीछे, ज्यादा समय टिक नहीं सकेंगे। है तो चित्र है तो साकार, लेकिन गुप्त है चित्र तो है उसका, लेकिन गुप्त है, सब कोई उसको पहचान नहीं सकता, नहीं तो अपना चौपड़ा सुधरवा लेगा। हिमालय पहाड़ तो अविनाशी है, लेकिन वो सतयुग में होती है क्या? हिमालय पहाड़ अविनाशी, विनाश का टाइम पे वो उसको कुछ भी नहीं होगा इससे। हिम आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, जो बर्फ का घर है, माने कोई मौसम ऐसा नहीं होता जहां वहां बर्फ न हो। गर्मियों में वहां पहुंच जाओ तो वहां चोटियों में क्या दिखाई पड़ेगी? बर्फ ही बर्फ दिखाई पड़ेगी। और सर्दी में तो होती ही होती है, बरसात के दिनों में वहां बर्फ ही बर्फ। तो बर्फ का घर है वो तो जड़ हिमालय है, जड़ हिमालय है तो कोई चैतन्य हिमालय भी तो होगा। कौन अरे जो जड़ हिमालय होगा उस पर बर्फ जमी रहती है जड़, और जो चैतन्य हिमालय होगा वो मन बुद्धि रूपी आत्मा होगी या कोई जड़ तुम्हारी आत्मा होगी? मन बुद्धि रूपी आत्मा तो होगी, लेकिन वो मन बुद्धि रूपी आत्मा जाम होगी बर्फ की तरह या चलायमान होगी? मन चिंतन मंथन करने वाली होगी, कैसी होगी? अरे हिमालय की, जो चैतन्य हिमालय होगा उसकी आत्मा किस कैटेगरी की होगी? बर्फ की तरह जाम होगी। बर्फ कैसी होती है? जाम हो जाती, तो उसकी आत्मा जाम होगी या मरण चिंतन मंथन करने वाली होगी? जाम होगी। तो कौन है वो आत्मा? बाप। बाप की आत्मा बिल्कुल चलती नहीं है, मरण चिंतन मंथन करने वाली बिल्कुल नहीं है, जाम रहती है उसकी बुद्धि। तो बाप की बुद्धि जाम रहती है, अगर जो बच्चे की बुद्धि चलायमान रहती है। हाँ हिमालय माना पार्वती का बाप, शास्त्रों में हिमालय किसका नाम दिया है? हिमालय राज। किसके बाप का नाम हिमालय राज है? पार्वती के बाप का नाम हिमालय राज दिया है। तो शास्त्रों में जो भी नाम है काम के आधार पर है या ऐसे ही नाम दे दिए? काम किया, क्या काम किया? इतनी मुरली सुनी कानों से, और सबसे पहले मुरली उन्हीं की आत्मा ने सुनी, लेकिन बुद्धि जाम, मुरली का कोई असर नहीं।
भले मुरली में 66 में ही 65 में ही बोल दिया कि प्रजापिता शब्द जरूर लगाना चाहिए, ब्रह्मा अपने नाम के आगे क्या लगाना चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। लेकिन आज तक भी वो हिमालय और हिमालय के जो भी बच्चे हैं चंद्रवंशी, आज तक भी उन्होंने इस बात पर गौर नहीं, नहीं किया। क्या लिखते हैं अपने नाम के आगे, ब्रह्मा कुमार कुमारी। प्रजापिता शब्द लगाया नहीं लगाया, माने मनन चिंतन मंथन उनकी बुद्धि करती ही नहीं, जामड़ी बुद्धि है, जाम रहती है। तो ऐसों के बाप का नाम है हिमालय। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है तो वो हिमालय इस सृष्टि पर सदा काल रहता है, अविनाशी है या विनाशी है, अविनाशी। एक बात बताओ, अविनाशी। एक ने कहा अविनाशी है, एक कहते हैं विनाशी है। बाबा ने कहा इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सब विनाश हो जाएगा। हिमालय वो विनाशी है या अविनाशी है, इन आंखों से देखने में आता है ना, आता है। जब इन आंखों से देखने में आता है तो विनाशी हुआ ना, अविनाशी कैसे होगा। बाबा हम हिस्ट्री में देखते हैं कोई कोई राजा होते हैं अपना राज्य खो बैठते हैं, ऐसे ही बिजनेसमैन भी अपना बिजनेस खो बैठते हैं। वो क्या गलती किया है इस संगम में, इस संगम में उनका एक ही जन्म होता है। नहीं पर राजा पर राजा ये बनाने वाला तो बाप ही है। राजा कोई 21 जन्मों का शेष जन्मों का राजा बनाता है या ये द्वापर कलयुग के भ्रष्ट जन्मों का राजा बनाता है, पर उसके आधार पर ही द्वापर। नहीं नहीं वो नहीं बनाता है भ्रष्ट जन्मों का राजा, वो अपवित्र दुनिया का राजा बनाता है या पवित्र दुनिया का राजा बनाता है। वो तो 21 जन्म की पवित्र दुनिया का राजा बनाता है, पर द्वापर और खुद बनाता भी नहीं है। वो अपने ऑटोमेटिक अच्छा उसके कहे अनुसार पुरुषार्थ करेगा वो बनेगा। तो उसका कोई पुरुषार्थ नहीं राजा बनने में, वो तो पिछले जन्म में उसने पुरुषार्थ किया है इसलिए बनता है। हाँ डिफेक्टेड पुरुषार्थ किया है इसलिए डिफेक्टेड राजा बना है। और कोने राज्य कोने का क्या कारण, राज कोने के यही कारण पुरुषार्थ डिफेक्ट है, डिफेक्टेड है। श्रीमद के अनुकूल पुरुषार्थ नहीं किया, पिछले जन्म में पुरुषार्थ तो किया है, अच्छा पुरुषार्थ किया है, तपस्या है तपस्या की है, लेकिन वो तपस्या अल्पकालीन तपस्या है। अपन को आत्म समझ करके बाप को याद करने की अविनाशी तपस्या नहीं है। सर उधर श्रीमत नहीं होता है ना, कहाँ द्वापर द्वापर कलयुग में कहाँ श्रीमत है, श्रीमत नहीं है तभी तो डिफेक्टिव तपस्या है। तो उनका गलती क्या होती है, श्रीमत वो जानते ही नहीं, उनकी गलती है संगम युग में हुई। संगम युग उन आत्माओं ने जब बाप ने आकर के अपनी पहचान दी और रास्ता बताया कि इस रास्ते पर चलो, तो उस पर ध्यान नहीं दिया श्रीमत पर, अपनी मनमत पर चलाया, तो उनकी द्वापर कलयुग की शूटिंग उसी समय हो गई। नहीं समझ आया, थोड़ा थोड़ा क्यों। अरे अभी हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो अपनी मनमत पर पुरुषार्थ करते हैं या नहीं करते हैं, करते हैं। और दूसरे मनुष्यों की मत पर पुरुषार्थ करते हैं या नहीं, दूसरों से प्रभावित होकर के वो भी करते हैं। और श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ कभी कभी करते हैं या नहीं, वो भी करते हैं। तो श्रीमत के अनुकूल जो हम कर्म करते हैं पुरुषार्थ करते हैं उसका फल हमको सत्युत्रेता में प्राप्त होगा क्या। और मनुष्यों की मत पर या मन मत पर जो पुरुषार्थ करते हैं उसका उजूरा हमें कहाँ मिलेगा, बाबा। अष्टदेव तो माया जी तो प्रकृति जी है, क्या वे लोग शरीर है नहीं अभी, हाँ होंगे हो जाएंगे हाँ। क्या वे लोग शारीरिक बीमारी से भी छूट होंगे, वो लोग क्यों बाप को छोड़ के जो भी शत्रु में जानने वाली आत्माएं होंगी जिनकी यादगार बनती है शालिग्राम, ये कि रुद्र की रचते हैं कितने शालिग्राम बनाते हैं,
लाख दो लाख साल ही ना बनाते हैं ना, और सारे ही ऐसे स्टेज वाले होंगे आज तो क्या, अभी का बात है, अभी तो वो बात ही नहीं है, अभी आत्मा बना कौन है, सब तो देवान आ रहा है, नहीं आ रहा अभी, पहले पहले कैसे बच्चा सुधरेगा या पहले और दूसरे सुधर जाएंगे, पहले तो कृष्ण बच्चा आत्मा बने ना, उसको देवान आना बंद हो, वो अपने देवान से परे हो जाए, बाप को पहचाने कि गीता का भगवान कौन, तो दूसरे कैसे हो जाएंगे, पूछना है कि सूक्ष्म शरीरदारी कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, बिना शरीर में करते हैं, नहीं तो वो भी देख सकते हैं उसका डाउट, बिना शरीर के भी वो देख सकते हैं क्या, हाँ जिसमें प्रवेश करते हैं उसके द्वारा देखते हैं, कहीं कहाँ भी चाहे वहाँ जा सकते हैं ना, इसलिए वो पूछ रहा है, जा सकते हैं वो कैसे देखते हैं, वो जैसे आत्मा जाती है ऐसे सूक्ष्म शरीर भी जाता है, जैसे हम रात में सोते हैं और सोते सोते कहाँ कहाँ घूम आते हैं, घूम आते हैं ना, वो पूर्जन की स्मृति है ना शरीर के द्वारा, उस स्मृति का आधार आती है, बिना शरीर के वो देख नहीं, बिना शरीर के कोई काम नहीं होता दुनिया में, शरीर के द्वारा ही देख सकते हरा कर्म हरा दुरित हरा पाप हरा पूर्वज मनवार का शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु मोक्ष गुरु कर्ण गुरु कर्म हरा इनका मतलब क्या, मतलब काल हरा क्या, काल हरण हरण करता है पूर्व जन्म निवार कैसा, एक एक बात पूछो तो बात क्लियर हो, पूरा इस लोग पढ़ दिया तो काल हरण, काल का हरण कर ले माने काल के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, किसी का हरण कर लिया ना तो जिसका हरण किया उसकी हार हो गई या जीत हो गई, उसकी हार हो गई, तो काल हरण का मतलब जो काल है उसका भी हरण कर ले, काल को भी जीत ले, हरण कर ले माने उसके ऊपर विजय हो गई, तो इस दुनिया में काल किसको कहा जाता है, समय को, काल माना समय, काल माना समय, अभी जो कलयुग का समय है वो कलयुग के समय को हरण कर लिया जाए, पाप का युग हरण कर लिया जाए, तो पाप के युग को हरण करने में जो अव्वल नंबर जाता है उसको कहते हैं हर हर महादेव, क्या है, काल को परिवर्तित करने में सबसे आगे जाने वाली आत्मा का गायन हो गया, कालातीत हर हर महादेव, कालातीत कलातीत, कलाओं के भी ऊपर भी अतीत हो जाता है और काल के ऊपर भी विजय प्राप्त करता है, माना काल तो जड़ है और आत्मा चैतन्य, चैतन्य ज्यादा पावरफुल कौन है, चैतन्य, चैतन्य आत्मा ज्यादा पावरफुल, लेकिन माया के प्रभाव में है तो चैतन्य नहीं है, माया रावण जो है वो माया रावण काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और साथ साथ पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश पांच तत्वों का भी आवरण और पांच विकारों का भी आवरण, इसलिए आत्मा चैतन्य होते हुए भी काल के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकती, लेकिन काल के ऊपर विजय आत्मा प्राप्त कर सकती है, कब, जब पांच विकारों पर भी विजय प्राप्त करे और पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये पांच तत्व उसको आकर्षित न कर सके, तो इस ऐसी स्टेज में जो आत्मा पहले पहले पहुंचती है क्या, वो आठ आत्माओं को पहले पहले विजयी बना लेती है अपने वाइब्रेशन में, बारह आत्माओं को पहले पहले विजयी बना लेती है, एक सौ सौ आत्माएं पहले पहले विजयी बन जाएंगी, एक सौ आठ आत्माएं पहले पहले विजयी बन जाएंगी, वो किसके आदर्शों से विजयी बनी, किसके योगबल से विजयी बनी, महाकाल जिसको कहा जाता है, कौन है महाकाल, जो पहला पहला नंबर है वही वही महाकाल, तो कहते हैं काल है, काल को भी हरण कर लिया, काल तो जड़ है, ये सच्ची चक्र क्या है, ये काल चक्र है,
सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग ये क्या है काल चक्र। इस काल चक्र को भी परिवर्तित करने में जो आगे बढ़े हनुमान चालीसा हनुमान की हनुमान भगवान को भगवान बना दिया। चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर जगत तुझार चारों युगों में हनुमान का प्रताप है। क्या प्रताप है कि हर युग को परिवर्तन करने में वो आत्मा आगे है। प्रजापिता वाली आत्मा सतयुग में पहला देवता। सतयुग आएगा तो पहला देवता कौन होगा वो ही नारायण। नारायण त्रेता में पहला क्षत्रिय द्वापर में पहला कलयुग में पहला शूद्र। तो वो हनुमान चालीसा बना दिया। चार युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जीव जान। तो काल को परिवर्तित करने वाला कौन हुआ महाकाल। कि काल हर काल हुआ और पूर्व जन्म निवारक कैसा और पूर्व जन्म निवारक कैसा पूर्व जन्म निवारक जो भी हमने 63 जन्म लिए हैं उन 63 जन्मों के पापों का निवारण कर दे। तो बाप की याद से ही पाप 63 जन्मों का पाप का निवारण होता है। तो जो पहले पहले हो वो पूर्व जन्म निवारक हो गया जन्म मरण के चक्कर से पाप से मुक्त हो गया। बाकी 21 जन्मों को तो निवारण करने की तो बात ही नहीं। दुख का निवारण करना करना होता है या सुख का निवारण करना होता है दुख का निवारण करना होता है। तो दुखी जन्म कितने हैं 63 जन्म। तो वो ही पूर्व जन्मों की बात है बाकी 21 जन्मों की बात नहीं है। और बाबा देवासुर संग्राम में देवताया और असुर वो सागर मंथन करना दिखाते हैं। सिखाते नहीं करते हैं दिखाते हैं चित्रों में। हाँ, चित्रों में दिखाते हैं। पर इधर हम देखते हैं सिर्फ एक पर्सनालिटी सागर मंथन करता है ऐसी बात तो नहीं है। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो सिर्फ एक ने तो नहीं निकाले हैं और सबका भी कुछ कुछ एक को नहीं दिखाते हैं। जो अव्वल नंबर है जो बहुत सागर मंथन किया है उसको नहीं दिखाते है। सिर्फ इधर सागर मंथन में असुर एक तरफ होते हैं और जो दिखाने वाले हैं जिन्होंने सागर मंथन दिखाया है चित्र बनाया है वो दिखाने वाली आत्माएं हैं या परमात्मा है आत्माएं हैं। तो जो दिखाने वाली है सागर मंथन वो आत्माएं हैं और आत्माएं जो है वो परमात्मा को कर दिया वो परमात्मा का रूप कर दिया। हाँ चाहे विष्णु का चित्र बनाया हो और चाहे सागर मंथन का चित्र दिखाया हो आपने को दिखाई दिया सागर मंथन करते हुए बाप को गुम कर दिया ब्राह्मणों को गुम कर दिया। असली बात है बाप की और ब्राह्मणों की। अष्टदेव तो अंत में कोई ना कोई धर्म में जाकर गिरते हैं अंत में जन्म में। पर वे लोग इसके पहले जन्मों में भी बाप के साथ जाकर जन्म लेते हैं राजा ये स्थापन करने के लिए। तो क्या उस समय वे उनको संघ का रंग सेनापति कौन है उसका प्रभाव नहीं होता साथ में है तो प्रभाव कैसे होगा। बाबा उस समय सभी अष्टदेव पुरुष रूप में ही होते हैं क्या जब युद्ध करेंगे तो देव ही होंगे देवियां थोड़ा युद्ध करने जाते हैं। हाँ इसलिए पूछा बाबा है पर इस संगम में तो देवी भी होते हैं है? स्त्री रूप में भी है अष्टदेव जो बनते हैं यहाँ तो अष्टदेव देवी रूप में भी है वो स्वभाव संस्कार से कहते हैं तो आत्मा का स्वभाव संस्कार देखा जाता है देह थोड़ी देखी जाती है। तो सभी जब राजा ये स्थापन करते हैं सभी अष्टदेव पुरुष रूप में ही होते हैं जरूर होंगे। और राजा ही की स्थापना जो है वो देह अभिमानी राजा ही है या आत्मा अभिमानियों की राजा ही है आत्मा वो आत्मा मंडियों की राजाई होती है 63 जन्म देह अभिमानियों की राजाई देह अभिमानियों की राजाई की स्थापना देह अभिमानी बाप करेगा या रूहानी बाप करेगा देह अभिमानी बाप जो है वो देह अभिमानी राजाई की स्थापना करता है और आत्मा अभिमानी बाप जो है वो आत्मा अभिमानी दुनिया सत्य को त्रेता की राजाई की स्थापना करता है।
बाबा आश्चर्य सभी ब्राह्मण जन्म ही लेते हैं या अलग अलग जन्मों में लेते अलग अलग ले तो आश्चर्य प्रत्यक्ष सब पता चले ना अभी कैसे बता दे अभी तो दो ही प्रत्यक्ष हुए ना बाप का ये नहीं देखा जाता है कि जन्म से ब्राह्मण है वो बात पक्की करनी है या कर्म से ब्राह्मण है वो बात देखनी है जन्म से भी कर्म से दोनों दोनों चाहिए ये कोई बात नहीं होती कलयुग के अंत में कर्म से ब्राह्मण होते हैं या जन्म से ब्राह्मण होते हैं मोस्टली किससे होते हैं बाबा पहला आश्चर्य तो जन्म से और कर्म से दोनों से ही अच्छा जो अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं होते हैं अष्टदेवों की लिस्ट में नहीं है क्या लेकिन फिर भी ब्राह्मण है कर्म कर्मोत्तर ब्राह्मण जैसे तीन मूर्तियां हैं तीनों मूर्तियां अष्टदेव की लिस्ट में है एक मूर्ति तीनों मूर्तियां अष्टदेव की लिस्ट में एक मूर्ति एक मूर्ति अष्टदेव की लिस्ट में बाकी दो मूर्तियां अष्टदेव की लिस्ट में नहीं है लेकिन फिर ब्राह्मण है या नहीं ब्राह्मण है जगदम्बा अष्टदेव की लिस्ट में नहीं है फिर भी ब्राह्मण है या नहीं है ब्राह्मण है बाप का संग का रंग बिना मिले ही केवल याद के बल से ही ले सकते हैं बिना बाप का संग का रंग बिना मिले ही केवल याद के बल से ही ले सकते हैं आंखों ने जिसका संग किया होगा वो याद आवेगा या आंखों ने जिसका संग ही नहीं किया वो याद आवेगा आंख देखती है ना उसका संग तो आंखों ने जिसको देखा है वो याद आवेगा या जिसको देखा ही नहीं है वो याद आवेगा अच्छा समझ लो ब्रह्मा बाबा थे उनके शिव बाबा आते प्रजापिता वाली आत्मा ने ब्रह्मा बाबा को देखा ही नहीं होगा क्योंकि जब तक ब्रह्मा साकार में रहता है तब तक वो आत्मज्ञान में नहीं आती जब वो सही छोड़ जाता है उसी साथ ज्ञान में आती है तो आंखों से देखा ही नहीं तो निराकार ज्यादा याद आता है साकार ज्यादा याद आता है उसे भी क्यों वो नहीं देखा क्यों आंखों से देखा ही नहीं जब आंखों से देखा ही नहीं है तो वो याद ही नहीं आता और जिन्होंने गोद में पालना नहीं है आंखों से उसको ही देखते रहे हैं उनको इतना याद आता है तुम्हारी बुद्धि में साकार तो निराकार बैठता ही प्रश्न का जवाब मिला क्या एक बार मिलना ही चाहिए देखना कम से कम लेकिन बाद में देना कम से कम हाँ कम से कम एक बार देखना जरूरी है इन आंखों से अगर 63 जन्मों का साथ रहा होगा तो वो एक बार का एक सेकंड का देखना ही इतना तीखा असर करेगा कि भूलेगा नहीं मना अव्यक्त वाणी में बोला है एक बार की स्मृति सदाकाल के लिए स्थायी बनाई जा सकती है क्या एक बार की स्मृति स्मृति का अनुभव जो है वो एक बार स्मृति का अनुभव किया एक बार की स्मृति का अनुभव सदाकाल के लिए स्थायी बन सकता है बाबा बेसिकली फट उतरना मतलब क्या है बेसिकली मैंने प्राइमरी मतलब उधर कौन से खट उतर जाते मतलब ब्रह्मा बाबा को याद करने की ज्यादा उनको वो नहीं रहती बस बिंदु को याद किया बुद्धि तो बिंदु बैठ जाता है आत्मिक स्थिति पक्की होने लगती है निराकार याद आने लगता है आत्मा की कट उतरी मैंने आत्मा की याद आने लगी ये नहीं मालूम पड़ता कि आत्मा ने कितने जन्म लिए लेकिन आत्मिक स्थिति बन जाती है मैं आत्मा हूँ मैं स्टार हूँ అవసరాలు కాయలకి ఒకరు వేరే వేరే అవసరాలు ఇస్తారు అట్లా చేయమతో వేరే వేరే ఉందా అంటాడు నన్ను రోగ్రుజీకి వెళ్ళి
रोग रुझिन जब आता है डॉक्टर रोग जब रोग आता है शारीरिक रोग डॉक्टर अलग अलग का औषधि देते हैं, वैसे ही श्रीमत भी अलग अलग होते हैं, एक आत्मा से अलग और दूसरी आत्मा को अलग श्रीमत। मनुष्य मत में और श्रीमत में अंतर नहीं होगा, मनुष्य ढेर के ढेर है और श्रेष्ठ के श्रेष्ठ एक ही है। तो जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है वो जो दवाइयां बताता है वो एक ही दवाई बताता है, एक ही दवाई मूल दवाई है याद की, और वो अलग अलग नहीं बताता है, एक ही दवाई बताता है। साकार में साकार को पहचानो, निराकार बाप को याद करो, याद के बगैर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जन्म जन्मांतर के लिए निरोगी कंजन निरोगी काया बनाने का। जीसस को ब्रोजिया ने सूली पर चढ़ाते हैं, बेहद में इसका शूटिंग संगम युगी पीरियड में कैसे होगी? जीसस वो है जिसमें वो अधूरी आत्मा अधूरा धर्म पिता प्रवेश करता है, जो प्रवेश करने वाला है उसको सूली का दुख नहीं होता, और जिसमें प्रवेश करता है उसको सूली का दुख होता है। इसलिए वो कहता है बाबा इसको क्षमा करो, इनको जो सूली पर चढ़ाते हैं उनको क्षमा करने को भगवान से प्राप्त है। या उल्टा होता है क्या? जीसस जिसमें क्राइस्ट की आत्मा ने प्रवेश किया उसने प्रवेश करके उसको दुख देने दुख दिया, क्योंकि जितना भी प्रेशर पड़ा समाज का वो प्रवेश करने वाली आत्मा के ऊपर प्रेशर पड़ा, या जिसमें प्रवेश हुआ जीसस को जीसस के ऊपर प्रेशर पड़ा, जीसस के ऊपर समाज की विरोधाभास का सारा प्रेशर पड़ गया, तो दुख कौन भोगता है? जीसस ने भोगा। अब उस दुख वो जो दुख भोगा उसने फांसी की सजा दी गई उसका हिसाब किताब कब पूरा होगा? संगम में यहाँ सारा लास्ट आखिरी जन्म में आकर के वो हिसाब किताब पूरा हो जाता है। जीसस वाली आत्मा जो नारायण बनने वाली आत्मा है, अधूरा नारायण बनता है ना, वो अधूरा नारायण कन्वर्ट होने वाली आत्मा है या कन्वर्ट न होने वाली आत्मा है? कन्वर्ट होने वाली आत्मा है। वो कन्वर्ट होने वाली आत्मा संपूर्ण बनती है या नहीं बनती है? नहीं अपने नंबर पर संपूर्ण बनेगी कि नहीं बनेगी? नहीं बनेगी। सजाए खा के संपूर्ण बनेगी या नहीं बनेगी? सजाए खा के संपूर्ण तो बनेगी, यही संगम में ही बनेगी। जब वो संपूर्ण बनेगी तो उस क्राइस्ट में जो इसी दुनिया में कहीं होगा जो ऊपर से आती आत्मा द्वापर युग में उसमें प्रवेश करेगी कि नहीं करेगी? और उसे जबरदस्ती सनातन धर्म की स्थापना कराएगी या नहीं करेगी? करेगी। और एक बाप की पहचान कराएगी, नित्य बनेगी, तब जाकर के नारायण बनेगा सत्य में, नहीं तो नारायण नहीं बनेगा। ऐसे ही कुमाई का कवि होगा क्या? बाबा एक कैसेट में बताया है जो बेसिक में नारायण होते हैं सतयुग का नारायण, सतयुग के नंबर वार नारायण होते हैं, वो अब स्थापना करने के लिए अपना प्रजा को स्थापना करने के लिए उनमें प्रवेश करके उनका बुद्धि को घुमाना पड़ता है। अभी हाँ संगम युग में अभी वो प्रवेश करने की ताकत है उनमें? प्रवेश करते नहीं बाबा, वो उनको बाप का पहचान देना पड़ता है बाद में, जैसे राजा बनने के लिए, जैसे ज्यादा जिन्होंने सेवा की होगी सेवा करना वही सत्युग के नारायण बनेंगे, ज्यादा भटकना पड़ता है। हाँ, जिन्होंने ज्यादा सेवा की होगी वही सत्युग में नारायण बनेंगे, नंबर बार नारायण बनेंगे ना, तो जो नारायण बनेंगे वो नारायण वाली आत्मा अभी शरीर छोड़ेंगे कि नहीं? छोड़ रही तो सही, छोड़ने के बाद कोई ना कोई प्रवेश कर रही है कि नहीं? कर रही है, तो प्रवेश करेगी और उनके द्वारा। इसका मतलब हुआ क्या, 10 करोड़ जो बनते हैं
त्रेता के अंश में उनमें सभी धर्म का बराबर हिस्सा नहीं होता, सभी धर्म की बराबर क्या नाम जनसंख्या होती है क्या? क्रिश्चियन की कितनी जनसंख्या हो गई आज की दुनिया में? सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से धर्म की है? क्रिश्चियन की बहुत जनसंख्या हो गई। भक्ति मार्ग में कृष्ण को बच्चा के रूप में क्यों दिखाते हैं? बच्चा बुद्धि है या ताली बुद्धि है? सगी बुद्धि है, तो वह धर्मराज की सजा अलावा सबको भुगतना पड़ता है। धर्मराज की सजा आज के अलावा सबको भुगतना पड़ता है, वो भुगतने का समय कितने दिन या साल तक रहेगी? एक सेकंड में भी जन्म जन्मांतर की सजा का भी अनुभव करेंगे। वो सेकंड कितना सेकंड फिर कितना सेकंड वो आत्मा इतनी मतलब जैसे कहते हैं ना दुख जो है वो थोड़े समय मिलता है तो लंबा टाइम मालूम पड़ता है, छोटा टाइम मालूम पड़ता है, लंबा टाइम मालूम पड़ता है। गीत भी बनाया हुआ है क्या बच्चे वालों ने गीत बनाया, समय तू जल्दी जल्दी जी, दुख में तू बिल्कुल सुख में तू बिल्कुल नहीं ठहरे, लाख बिताए तुझ पर पहले और दुख में तू बिल्कुल रुक जाए, कैसी तेरी रीत, समय तू जल्दी जल्दी जी। तो ये हिसाब है, धर्मराज सजा इतनी कड़ी है कि लोग बीमार पड़ते हैं ना, कैंसर के मरीज कितने तड़पते हैं, उनको वो दुख बड़ा दुख नहीं है। बाबा ने कहा कैंसर का मरीज मर्ज बन जाए वो सहन कर ले वो अच्छा, लेकिन धर्मराज की सजा से बच जाए उससे भी वो धर्मराज सजाओं का एक सेकंड भी बहुत लंबा है, बहुत तकलीफ है, जन्म जन्मांतर की तकलीफ महसूस होती है। बाबा मंदिरों में देवताओं को सुबह सुबह जगाते हैं, उसको नहाते हैं और उसको रात में उनको सोने सुलाते हैं, ये सभी करते हैं, ऐसा क्यों होता है? यहाँ भक्ति मार्ग में जो देवताएं हैं, जो भक्ति मार्ग में देवताएं हैं उनकी सचिव तरीका की सवेरे की शूटिंग होती है कि नहीं? वो सतो प्रधान सतो सामान्य पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं? संगम युग में वो उनका सवेरा हो गया, और रजो प्रधान और तमो प्रधान सोने की शूटिंग करते हैं कि नहीं? संगम में करते हैं तो उनका सोना हो गया, अज्ञान की नींद में सोना, श्रीपद के बरखिलाफ कर्म करना, तमो प्रधान अवस्था बनाना, खुद दुखी रहना और दूसरों को भी दुखी करना, खुद भगवान को भूल जाना और दूसरों को भी भगवान को भूलाना। तो उसी की आवृत्ति करते हैं। ज्ञान के ज्ञान में आने के बाद कौन कौन मरने के बाद कौन कौन सूक्ष्मदारी बनते हैं, कौन कौन अलग जन्म लेते हैं? जो बेसिक नॉलेज तक सीमित रहते हैं, जिन्होंने सिर्फ अम्मा को ही पहचाना, अम्मा को ही गीता का भगवान समझ लिया, बड़े से बड़ा साकार भगवान, ऊंचे से ऊंचे भगवान ब्रह्मा, बस उनको शरीर छोड़ना पड़ेगा। सर शरीर छोड़ना पड़ेगा, ब्रह्मा ये प्रजापति ये ब्रह्मा शरीर छोड़ गया है और मगर वो सूक्ष्मदारी बन गया है, सूक्ष्मदारी बन गया उनको, ऐसे जो भी ब्रह्मा को फॉलो करने वाले होंगे उनको सूक्ष्मदारी बनना पड़ेगा, और कुमार का दादी वो तो सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े, वो अलग जन्म नहीं लेते हैं, साकार शरीर का जन्म नहीं ले सकते। अरे वो अपने जीवन काल में उन्होंने अपना सरपरस्त किसको माना, मरते दम तक अपने से ऊंच किसको माना? ब्रह्मा को माना। तो जब जिंदगी भर उन्होंने अपने सारे पुरुषार्थ जीवन में जिसको ऊंच माना, अंत समय में वो आत्मा किसको ऊंच समझेगी? अंत मते तो गति क्या होगी? ब्रह्मा को ही मुझे माने, तो ब्रह्मा का जब तो शरीर छूट गया तो उनका शरीर रह जाएगा क्या? नहीं, सवाल पैदा नहीं होता। मेरा प्रश्न ऐसा नहीं है, कौन कौन सूक्ष्मदारी बनता है और कौन कौन अलग जन्म लेता है,
आई कम टू माय लास्ट लाइफ। जो दोबारा जन्म लेते हैं वो ही व्यक्ति दोबारा जन्म ले सकते हैं जो एडवांस नॉलेज ली हो, बाप से सन्मुख सुना हो, वो अलग जन्म लेने का, वो जन्म जरूर लेंगे भले अकाल मौत हो जाए बाय चांस, तो भी उनको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और यार एक ज्योतिर्लिंगों में बहुत आए भारत में ज्योतिर्लिंग बहुत आए, बद्रीनाथ, रामेश्वर, काशी, ओंकारेश्वर ऐसा सभी बताते हैं, मगर ये सोमनाथ का मंदिर का लिंग बहुत मानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि पहला है मगर ये भी ये बाद में इक्वल स्टेटस है, ये बाद में तैयार हुए 2000 वर्ष पहले जब राजा विक्रमादित्य का शासन था तो राजा विक्रमादित्य सोमनाथ की पूजा की, वो पहला मंदिर हुआ। माने जो भी सूर्यवंशी 12 विशेष आत्माएं हैं जिनकी यादगार में वो शिवलिंग बनाए गए ज्योतिर्लिंग, उन्होंने अपने को ज्योति स्वरूप में स्थिर कर लिया। तो नंबर वन स्थिर किया होगा या एक ही टाइम पे स्थिर कर लिया? नंबर वन। तो जिसने पहले स्थिर कर लिया उसे का एग्जांपल है, उसका नाम पड़ गया सोम, ना सोम माने चंद्रमा और ना तुम्हारे उसका स्वामी, तो चंद्रमा का स्वामी कौन हुआ? द्वापर में 500 सेवा आकर 25 शरीर का आधार लेते हैं, 500 आते हैं ना, वो यहाँ 25 शरीर में प्रवेश करते हैं, केवल सुख ही सुख भोगते हैं पहले जन्म में। हाँ पहले जन्म में जब वो शरीरधारी दुख भोगता है तब उस 500 उसी शरीर में होता है या शरीर सुख भोगता है तो वो रहने की क्या दरकार है? तो जब चाहे तब निकल जाए, निकल सकते हैं। क्राइस्ट को जब सूली लगी, सूली पे चढ़ाया गया, तो जीसस ने दुख भोगा या प्रवेश करने वाले क्राइस्ट ने दुख भोगा? जी उस समय क्राइस्ट का शरीर, क्राइस्ट का आत्मा और शरीर छोड़कर निकल जाती। तुम्हारे साथ हमारा ऐसा हिसाब किताब है, तुम बोलो। बाबा धरती पर क्या क्या चीज है, क्या क्या है, हम सब देख रहे हैं। तो आपने बताया जिस अंकों में, ये इस अंकों में क्या क्या देखते हैं वो सब खत्म होगा, सब खराब हो जाएगा, मगर बचेगा क्या? बचेगा क्या? आत्मा, अविनाशी आत्मा बचेगी। अविनाशी आत्मा बचता है, वो कहाँ रहना, ये सभी खत्म होता है ना, बर्फ में जाओ जाएंगे, बर्फ के बाद फिर बर्फ पानी बन जाएगा, हम निकल आएंगे। हम आते हैं मगर ये सब खत्म हो जाता है ना, ये पेड़, ये घर, ये सब जो 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 अणु जहाँ से साइकिल लगाना शुरू किया है वो 5-4 वर्ष का अणु साइकिल लगा करके फिर बन जाएगा। अणु आत्मा भी अणु है, आत्मा जहाँ से साइकिल लगाना शुरू किया रूपी रंगमंच में जहाँ से आई फिर वहाँ चक्कर लगा करके वहीं उस मंच पे पहुँच करके फिर परिणाम वापस जाएगी। हर चीज का साइकिल है। सब खत्म होने के बाद हम कहाँ रहना होता है, कहाँ रहते रहता है? वो अविनाशी आत्माएं हैं, वो अविनाशी आत्माओं के शरीर भी अविनाशी हो जाएंगे लेकिन तत्व बदल जाएंगे उनके बर्फ में रखने के कारण। बाबा जैसे कोई सांप काट लेता है ना, और सांप का विष पूरा चढ़ जाता है, शरीर नीला पड़ जाता है, तो जो सांप की कांटे को सुधारने वाले होते हैं वो कहाँ रख देते हैं? उसे बर्फ में रख देते हैं, या नदी की धारा के बीच में ले जाके रख देते हैं, धुलते कोई जिंदा भी हो जाता है। अभी अखबारों में निकला था कि कोई युगल जोड़ा निकल पड़ा बर्फ में से, कई जन्म पीछे की बात बताई ऐसे रहती हूँ, मैंने बर्फ में शरीर सुरक्षित रहते हैं। अशोक चक्र में 24 बर्फ में कितना लाख, 2 लाख बर्फ में कितने लोग जाता है? 2 लाख जो टालीग्राम बनाए जाते हैं रुद्र के रचते हैं, टालीग्राम बनाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितने टालीग्राम बनाते होंगे? लाख, इससे ज्यादा नहीं बनाते, और
और 2.5 लाख को शरीर चल रहा है। तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले बीज है ना, ये दूसरे धर्म के बीज है, उनको तो फिर जाना ही जाना है। बाबा अशोक चक्र में 24 स्पोक्स भी कहते हैं, अशोक चक्र में 24 स्पोक्स अशोक चक्र में 24 होता है, झंडा में भी है, भारत के झंडा में उनमें से 12 सूर्यवंशी है और 12 चंद्रवंशी है। वो चंद्रवंशी कौन सी माला वाला है, रुद्र माला वाला है या विजय माला वाला है? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, जो चंद्रवंशी 12 है वो अशोक चक्र में दिखाई गई, और चंद्रवंशी अशोक चक्र में दिखाई गई 24 दिखाई गई, 12 सूर्यवंशी जो 24 दिखाए गए हैं वो 24 अवतारों में से तो नहीं है। अवतार कितने माने जाते हैं? 24 अवतार माने जाते हैं। 24 अवतार जो माने गए हैं उनमें 12 तो हो गए सूर्यवंशी और 12 हो गए चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी सूर्यवंशी ठेठ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की बात है या रुद्रमालाएं में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी है? रुद्रमाला में ही ठेठ सूर्यवंशी भी है, ठेठ चंद्रवंशी भी है, और ठेठ चंद्रवंशी जो है वो रुद्रमाला में। हाँ जी, उन्हीं को दिखाया है, चक्र घूमता रहता है। तो संस्कृत भाषा कब से शुरू हो गई है? संस्कृत भाषा की शुरुआत कब से हो गई? संस्कृत वाले सुधारी हुई, द्वापर के आदि में नहीं था, द्वापर के आदि में त्रेता के अंत में भाषा होती ही नहीं, इतनी इशारे की भाषा होती है क्या? इशारे की भाषा होती है, उनकी आत्मा ही इतनी तीव्र गति वाली होती है, एकाग्र होती है कि थोड़ा सा इशारा किया दूसरे ने समझ लिया। और यहाँ तो हमको उनके इशारा किया दूसरा समझ लेता है, क्योंकि आत्मा आत्मा से मेल ही नहीं खा रही। ऐसे होता है ना, कोई आदमी कुछ बात कहता है तो दूसरा आदमी उसका दूसरा अर्थ लगा देता है। बाबा बोलते हैं, बाबा की बात का एक अर्थ जो का समझ लेता है, दूसरे उस अर्थ को समझ ही नहीं पा रहे, ऐसा क्यों होता है? पहले हमको अनुभव होता है क्या? सबको अनुभव नहीं होता, जो देवताएं होते हैं देव आत्मा होते हैं शरीर छोड़ते हैं तो उनको अनुभव हो जाता है, मैं ऐसे ऐसे जाके जन्म लूंगा, अच्छा ये सूत्र छोड़ना है। यहाँ भी ऐसे होते हैं कोई कोई का, पहले तो उनको पता चल जाता है और बोल भी देते हैं कि हमें ये शरीर छोड़ना है, छोड़ देते हैं। ये आत्मा की स्टेट की बात है। बाबा जो जो आत्मा ने ब्रह्मा को पालक किया है वो अलग जन्म नहीं लेते हैं, अगर अचानक मर जाते हैं अब अलग जन्म लेते हैं? हाँ जी, अलग जन्म माने शारीरिक जन्म नहीं मिलता उनको। एक एग्जांपल है, एक डीके है वो ब्रह्मा को पालक कर रहे हैं अभी मर जाएगा, वो सूक्ष्मधारी बन जाता है क्या? सूक्ष्मधारी बनेगा वो? नहीं है, अलग जन्म नहीं लेते अब, टाइम आए अभी आए। हाँ तो अलग जन्म लेने का क्या बोलते हैं? निश्चय ही वहाँ पर है देशिक नारी में, उससे ऊंच से ऊंच जो भगवान है वो उनका कहाँ तक है? ब्रह्मा ऊंच से ऊंच भगवान उनका है, उन्हें पता ही नहीं है इससे भी ऊंचा कोई भगवान का स्वरूप है। ऐसे ही दूसरे धर्मों में भी है, जो क्राइस्ट को भगवान माने बैठे हैं क्राइस्ट को ही ऊंचे से ऊंचे माने बैठे हैं, वो क्राइस्ट तक ही सीमित रहेंगे। और अलग लोग हैं वो ध्यान में नहीं आया है, हा? वो मरते हैं लौकिक, हम वो मरते हैं वो जन्म लेते हैं ना नहीं? उनकी तो बातें होती, जन्म मरण का चक्कर उनका चल ही रहा है।
उनका तो जन्म मरण का चक्र चल ही रहा है। वो ज्ञान ले चुके हैं बेसिकली, और एडवांस के तरीके से पहचाना है उनकी बात करें, दुनिया और भी तो बात ही नहीं। पापा कंसर्न का है 4.5 लाख और 2 लाख जो रुद्रयज्ञ रचे हैं, उन रुद्रयज्ञों में 1 लाख सालिग्राम ज्यादा बनाए गए हैं या 2 लाख ज्यादा बनाने बनाए हैं? 1 लाख सालिग्राम सुबह को बनावे और शाम तक बनाते रहे तब 1 लाख सालिग्राम बनते हैं। उनको गोल 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 की तरह हिलाने में भी टाइम लगता है। ऐसे बनाए जो सूरज सूरज डूबने से पहले टूट न जाए, कहीं खटक न जाए। टाइम लगता है ना। दुनिया की आबादी जब सत्युग शुरू होगा पक्का, तो दुनिया की आबादी कितनी होगी? 9 लाख आबादी होगी पहली जगह की के अंदर। 9 लाख आबादी होगी, उसमें 4 लाख तो वो होंगे जो जन्म लेने वाले, वो 4 लाख जन्म देने वाले, जो 4 लाख जन्म देने वाले हैं उनमें भी जो बीज है 4 लाख में, 4.5 लाख में, वो कितनी कैटेगरी के? 9 कैटेगरी के। तो कितने बीज हो गए? अरे 25,000 जन्म देने वाले हैं। जन्म देने वाले जो बीज हैं, माँ बाप बनेंगे वो कितने होंगे? 50,000 हर जन्म के। तो 50,000 हो गए सूर्यवंशी जी, और 50,000 हो गए एडवांस आत्माएं हैं। कब से मोहन का बुक जाने का प्रारंभ होता है? प्रारंभ कब से शुरू होता है? माउंटेन अबू को जाने के लिए कब से हो शुरू होता है? जब से सजा खाने की शुरुआत होती है। बताइए आखिर सजा खाने की शुरुआत किससे होगी? कौन से नंबर मणके से सजा खाने की शुरुआत होगी? नौवा मणका है और सजा खाना शुरुआत करेगी। तो 9वां मणका वो माउंट आबू में जाके सजा खाएगा या इस दुनिया में सजा खाएगा? इसी दुनिया में सजा खाएगा। सदगुरु नंदा ठाउ ना पापा कैसा ठाउ यहाँ सजा खानी पड़े, कौन से ठौर का जाएंगे? ऐसे ठौर ठौर माने स्थान, ऐसे ठौर का जाएंगे जहाँ सजा खानी पड़े। सदगुरु की जो निंदा कराते हैं वो सदगुरु ने जो ठौर बनाया वो ठौर नहीं प्राप्त कर सकते, तो कहाँ जाएंगे? ऐसी बिना की दुनिया में जाएंगे जहाँ उनको सजाएं खानी पड़े, वहां जाके सेवा करेंगे तब उनके पाप भस्म होंगे। बाबा सिर्फ आज ही क्यों बाबा? अरुण भाई का भी नंबर आना चाहिए, समझ गए? मेरा 8वां नंबर या 7वां या पहला तीसरा नंबर नहीं, उसका प्रश्न मेरे तक क्यों नहीं है? मेरे तक क्यों नहीं, मेरे तक सजा ना का नेता क्यों नहीं है? ना है ना, अभी 2 ही नंबर तो डिक्लेयर हुए हैं। अभी टूलेट का बोर्ड कहाँ लगा? और 6 बाकी है। अभी लेट का बोर्ड लगा है, अभी 6 बाकी है ना, याद करो। देखो हिम्मत आ गई भाई, क्या हिम्मत ना हारा होता मैं इतनी क्यों बोलता है? शरीर पंच तत्व में एक तत्व को भी अभी पांच तत्व, और हम 5 कोष पे आत्मा कैसा बना है? आत्मा कैसा बना है? बना है माने किसी ने बनाया है? आत्मा याद आगे बताना कैसा है, आत्मा कैसा है?
आत्मा कैसा आत्मा शरीर का, शरीर का पोचा शरीर जो है वो तो पांच तत्वों का बना हुआ है। आत्मा आत्मा सिर्फ आत्म तत्व ही है एक, उसका बाप भी एक है और उसका तत्व भी एक ही है। वो तत्व से नहीं बना है, तत्व थोड़े वो पांच तत्व अलग है, वो जड़त्व में ही है। आत्मा तो कैसे नहीं है, चित्त शक्ति ही एक है। बनती थोड़ा ही आत्मा, आत्मा तो हजार अमर अविनाशी है, बनाई नहीं जाती है। श्री कृष्ण को गुरुकित में पटाभिषेक में है, है? पटाभिषेक नहीं है और रुक्मिणी को मानते हैं एक ज्ञान मार्ग में है। तो उन क्या मानते हैं? कृष्णा रुक्मिणी, कृष्णा रुक्मिणी बोलता है। हाँ। इस ज्ञान मार्ग में, ज्ञान में पटाभिषेक है श्री कृष्ण को और राधा को बोलते हैं, है? राधा को बोलता है, राधा राधा कृष्णा बोलता है। राधा का नाम पहले बोलते हैं और कृष्ण का नाम बाद में बोलते हैं। रुक्मिणी को नहीं, जो नहीं लेते हैं। रुक्मिणी जो है पटना पटरानियों की लिस्ट में है या महारानी की लिस्ट में है? ऊंची लिस्ट कौन सी होती है? ऊंचा ऊंचा नंबर कौन सा है? महारानी का नंबर ऊंचा होता है या पटरानी का नंबर ऊंचा होता है? पटरानी का, पटरानी ऊंचा होता है। पटरानी पट्ट में जाके गिर गई, हाँ हमारे दूसरे धर्मों से कनेक्टेड हो गई। आखिरी माया का ऐसा पसारा फैलता है कि जो आठ पटरानियां हैं पट्ट में जाने गिरती है, चारों होना पट्ट। रुक्मिणी महारानी है, पटरानी महारानी राधा है। किसका? पट्टा भी देखे कृष्ण के साथ कौन है ये पूछ रहा है? साथ राधा है। ऐसा बोल रहा है एक ज्ञान मार्ग में कृष्ण को पट्टाभिषेक करते हैं, मगर लौकिक में ज्ञान मार्ग में पट्टाभिषेक करते पट्टाभिषेक करते वो थ्रोन देता है, वो शेर गति देते हैं, गति देते हैं। हाँ, मगर लौकिक में ऐसा नहीं है ये बोल रहे हैं। लौकिक में जिसे कृष्ण को वो कृष्ण भगवान समझे बैठे हैं, वो वास्तव में कृष्ण भगवान होता है, होता है। लौकिक जो है कृष्ण ना भगवान का अंत हेल्थ इला वो कृष्ण होता है, लौकिक में बोलता है, लौकिक में बोलते हैं। जिस कृष्ण को वो कृष्ण समझे बैठे हैं वो भगवान होता है, भगवान का भगवान होता ही नहीं। यहाँ तो जिस कृष्ण की बात हो रही है शास्त्रों में, जिस कृष्ण की बात हो रही है वो शास्त्रवादी जो कृष्ण है वो वास्तव में भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं। हाँ, वो भगवान नहीं है, भगवान तो शिव बाबा है। शिव बाबा जिस तन में प्रवेश होकर के कार्य करते हैं नई सृष्टि की स्थापना करने का, वो संगम जी कृष्ण का कहना है। जिसको कृष्ण समझा है वो कृष्ण ही नहीं, अरे कृष्ण तो बाद की बात है। जिसको वो शिवलिंग समझते हैं वो ही अलग भक्ति मार्ग वालों का, ज्ञान मार्ग वालों का शिवलिंग ही अलग हो जाते हैं। जब शिवलिंग ही अलग अलग है, उसकी पहचान ही अलग अलग है, उसकी जानकारी ही अलग अलग है, तो कृष्ण भी अलग है। संगम रूप का कृष्ण अलग और भक्ति मार्ग वालों का कृष्ण अलग हो जाता है। जो संगम भी कृष्ण है जिसके साथ कंसी जरासंधी दिखाए हैं उसका पट्टा विषय होता है वास्तव में, उसकी यादगार है या वो कृष्ण की यादगार जो सत्य में जाके जन्म लेगा? संगम कृष्ण की यादगार है। याद ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಕಂಕಲ್ಪದಿಂದ ತಂದೆ ಯಾದ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತ ಬಾಬು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾದ ಬಾಪ್ ಟಚ್ ಕರ್ತಾ ಯಾ ನಹಿ ಜೊ ಬಹುತ್ ಯಾದ ಕರತೆ ಜಿನ್ಕಿ ಅಡೋಲ್ ಯಾದ ಹೋತಿ ವೋ ಯಾದ ಟಚ್ ಕರತಿ ಯಾದ ಸೆ ಯಾದ ಮಿಲ್ತಿ कनेक्शन हर टेलीफोन का कनेक्शन बढ़ाया और बीच में कहीं डिस्टर्ब हो गया
कनेक्शन जुड़ेगा, ये भी कनेक्शन है, कनेक्शन एकाग्र होगा क्या? एकाग्र तो याद किया मिले, हम इधर याद कर रहे हैं, यहाँ अगर कोई दूसरा इंटरफेयर कर गया, उंगली लगा के याद डिस्टर्ब हो गई, तो याद याद कैसे मिलेगी? अडोल याद होनी चाहिए, भगवान ये है बीज उपासनाओं में है बीज कन्वर्टेड हो जाते हैं क्या? एक तरह के हैं क्या बीज? अनेक प्रकार के हैं कि एक प्रकार के हैं? अनेक प्रकार के, अनेक प्रकार के हैं, तो कोई का मोटा छिलका, कोई का बहुत महीन छिलका। जो मोटा छिलका वाले हैं वो देह में अपना छिलका उतार पाते हैं देवान का, जो महीन छिलके वाले हैं उनका छिलका जल्दी उतर जाता है, जिनका जल्दी छिलका उतर जाता है वो श्रेष्ठ है, जिनका देवान का छिलका बाद में उतरता है वो निष्कर्ष है। बाबा अंत में करोड़ आत्मा सता प्रधान बनता है, तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन से सभी जीव जंतु भी सत्व बन जाता है ऑटोमेटिकली, मगर हम सब याद करने के बाद सत्व प्रधान बनते हैं, धर्मराज के शिक्षा अनुभव करने के बाद सत्व प्रधान बनते हैं, मगर वो प्राणी जंतु किसी रूप के नहीं शिक्षा अनुभव करके वो सत्व प्रधान बनते हैं। बात ये ज्यादा पाप मनुष्य करता है या दूसरे जीव जंतु पाप कर ज्यादा करते हैं? मनुष्य ज्यादा करना पड़े।